जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें ये भी कहा गया कि वो चार राज्यों में अलग से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बिहार में बीजेपी का के साथ गठबंधन है, उनका बिहार में क्या स्थिति रहेगी, क्या फैसला होगा? बिल्कुल, बिहार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 243 में 225 सीट पर हम लोग लीड किए हैं इस पार्लियामेंट में, और आज साफ साफ राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी ने मीटिंग में कहा कि 2020 हम लोग NDA साथ साथ चुनाव लड़ेगी और 225 से भी ज़्यादा सीट जीत के हम लोग आएंगे। लेकिन जो सिलसिला शुरू हुआ था केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के बाद से, ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना, फिर उसके बाद इफ्तार का जो हुआ, फिर ट्वीट का जो मामला हुआ, है सारा कुछ ये इंगित कर रहा था कि कहीं ना कहीं फिर से वो दूरी बढ़ती जा रही है। इसको कमी करने के लिए क्या प्रयास? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए नीतीश जी ने 171 मीटिंग किया पूरे बिहार में 44 डिग्री में, और चाहे जदयू के लोग हों चाहे भाजपा के नेता हों, सब एक दूसरे के सीट पर जा करके वर्कर से लेकर के और शीर्ष नेतृत्व तक एक साथ काम किया है। जहाँ तक सरकार में जाने की बात है, दो साल हम लोग पहले भी समर्थन करते रहे, जुलाई 2017 से, उस समय भी नहीं थे। उसके बाद जो परिस्थिति बनी नीतीश जी ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में लोगों की आकांक्षा है और बिल्कुल हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, 2020 में हम लोग साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। ये मान लिया जाए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भविष्य में भी आप लोग शामिल नहीं होंगे, ये तो उन्होंने कहा है नीतीश कुमार जी ने, कि जो शुरू में ही हो जाता है उसका ही एक मैसेज होता है, तो वो तो उन्होंने कहा था उस दिन एयरपोर्ट पर जब आए थे इस बात। अच्छा, ये जो चार राज्यों में चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? झारखंड में तो आपका बीजेपी के साथ रहा है गठबंधन, उसको तोड़ के फिर आप जम्मू कश्मीर लड़ रहे हैं, दिल्ली लड़ रहे हैं, हरियाणा लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या है? एक है कि ये राष्ट्रीय पार्टी बने, इनसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भट्ठा बैठा दिए थे पार्टी का, वहाँ पर बनते थे नेता बिहार से, लेकिन कभी भी बिहार के काम को राष्ट्रीय स्तर पर कभी हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, बिहार के अच्छे काम को जो नीतीश कुमार ने किया। तो अभी अरुणाचल में हमारी पार्टी की मान्यता मिल गई, तो उद्देश्य यह है कि इन सब स्टेट में जहाँ पार्टी का एक बेस भी है वहाँ जा करके चुनाव लड़ें, और इस सब जगह पर हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे जो आने वाला चुनाव है इस चार स्टेट। तो ये थे संजय झा, जो कि कह रहे थे कि बिहार में बीजेपी के साथ 2020 का विधानसभा मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे, ये स्पष्ट तौर पर संकेत इस उभर के आया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी बीच में, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये स्थिति साफ हो गई है। सुजीत कुमार झा, पटना।